बेअंत कौर शाही जी उन्होंने दस मुढ़ली सिक्ख्या हैगी बारे जानकारी आपको किस तरह होनी चाहिए ज्ञान जबानी याद होना चाहिए आ जो थोड़ी अध्यापक याद हो रुचि पैदा करूगा कि मुढ़ला ज्ञान है वह याद रिक्वेस्ट करा प्रोफेसर बेअंत कौर शाह इस विच कोई शक नहीं कि अज दा युग टेक्नोलॉजी दा युग है ते टेक्नोलॉजी च विकास ही अज विकास दी परिभाषा बन चुकिया है फील्ड चाहे कोई भी होवे तकनीकी विकास नाल ही हर एक फील्ड विच तरक्की संभव है ते एजुकेशन फील्ड भी इसका ही एक उदाहरण है और पिछले दो साल दौरान कोविड के समय विच असी सब इस सच्चाई नू भली भांत महसूस भी कर चुके हाँ क्योंकि कोविड के समय एजुकेशन जारी रखने लई इंटरनेट तो बिना साडे कोल होर कोई माध्यम नहीं सी इंटरनेट की मदद नाल गूगल अते यूट्यूब ही सब तो वध मददगार साबित होए इस समय के दौरान एजुकेशन नू जारी रखने लई पर बावजूद इस दे लाभां दे ये भी महसूस किया गया कि किन्ने भी साडे कोल बेहतर डिवाइसिज सी किन्नी भी बेहतर इंटरनेट सुविधा सी या फिर सोर्सिज सीगे पर अध्यापक किताबां तालमेल और सिरजनात्मक माहौल दी घाट कारण एक बहुत वड्डा गैप क्रिएट हो गया इन्हां दो सालां दे दौरान पिछड़े वर्ग की यह कमी बहुत वड्डे पद्धर ते नुकसान कर ही गई बल्कि बहुत अडवांस अते सिविलाइज्ड रिच सोसाइटी दे पेरेंट्स भी चिंतित नजर आए जदों बच्चे ते अध्यापक सिर्फ इंटरनेट ही वरत रहे सन मेरा ये मानना है कि इंटरनेट तो जिहड़ा असीं ज्ञान प्राप्त करदे हाँ वह निरंतर टिकाऊ ते आदान प्रदान करने विच मददगार साबित नहीं हो सकता इंटरनेट तो ज्ञान प्राप्त करन दा जिहड़ा सुभाअ है वह साडे विच एकाग्रता अते चिंतन की घाट पैदा करता है जिहड़े बच्चियां विच ज्ञान दा विकास इंटरनेट दे यूज नाल ज्यादा हुंदा है मैं ये देखिया है कि वह इनफॉर्मेशन दे डीकोडर ही बन के रह जाते हैं क्योंकि जदों तक असी उन्हां दे सामने समस्या नहीं रखांगे वो तर्क यूज नहीं करनगे तो तर्कवादी नहीं साबित होणगे बल्कि उन्हां कोल सिर्फ एक गूगल का ब्रह्मंड ही होएगा मेरा ये ना सिर्फ मनना बल्कि तजुर्बा भी है कि जदों असी पढ़ते हाँ अध्यापकों की मदद नाल या फिर किताबों की मदद नाल तां जिहड़ा ज्ञान असी किताबों तो जां अध्यापकों तो लैंदे हाँ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸਲੀ ਗਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਸ ਸਕਿੱਲਸ ਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ एक्सपीरियंस करके लर्न करके ही प्राप्त करते हाँ तो यही नॉलेज साड़ी पावर साबित होता है ये भी ठीक है कि आज का मनुख इंटरनेट की मदद नाल स्पेस मून ते जित प्राप्त कर चुके है पर इस गल तो भी असी मुनकर नहीं हो सकते कि पत्थर युग तो लैके आदि मानव की जड़ी जर्नी आधुनिक युग तक हुई वो सिर्फ ऑब्जरवेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग और लॉजिक ते ही डिपेंड करती सी उहदे कोल कोई इंटरनेट नहीं सी ते फिर भी उन्हें इन्नी तरक्की की
ऑब्जरवेशन लॉजिक रीजन ते आधारित ज्ञान निरंतर टिकाऊ ते सदा रहने वाला मेरे मुताबिक रहता है। असी सारे जेडे अज दे पार्टिसिपेंट आ साडा सब दा एक तजुर्बा जरूर सांझा होवेगा कि जदों असी स्कूल जांदे सी तां लैंडलाइन फोन ही हुंदे सी और मैनू तां याद ही सी और मैनू उम्मीद है कि आपां सारियां नूं ही लगभग 100 दे करीब फोन नंबर जुबानी याद हुंदे सी। ते अज जदों साडे सामने कई बारी कोई परसन बैठा हुंदा असी उहनूं फोन नंबर पुछदे आ तां मतलब मेरे नाल बहुत बारी एवें हुंदा कि उहनूं अपना फोन नंबर भी याद नहीं हुंदा। तां मैनूं इह लगदा कि इह मोबाइल दी वरतों इंटरनेट दी वरतों किते ना किते साडी मैमरी पावर नूं डैमेज कर रही है और बच्चों विच तां इह समस्या जिहड़े असी टीचर्स टीनएजर लोग बच्चों नूं पढ़ा रहे हां जां पढ़ा चुके हां उहनां विच इह पिछले 2-3 सालां च असीं बहुत वड्डी प्रॉब्लम देखी है कि वह बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर डिपेंडेंट हो गए हैं और ये उन्हों का जोड़ा अपना मतलब दिमागी मैंटली जी प्रोग्रेस है वह कितने ना कि नुकसान नहीं जाती है और इस करके जोड़ा डैमेज है ये अगे चल के शायद अज नहीं पर अगे चल के सूँ जरूर महसूस होएगा जो असं अपनी जनरेशन और नवी जनरेशन का कंपेरिजन करा। सो मेरा तो यह मनना है कि बुद्धिमान व्यक्ति नूं पूरी तरह इंटरनेट ते डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। सानू पढ़न याद करन प्रयोग करन दी प्रवृत्ति ना सिर्फ अपने आप विच जारी रखनी चाहिए है बल्कि अपने बच्चों विच भी पैदा करनी चाहिए है क्योंकि बचपन विच जिहड़ियां असी कहानियां जां फिर गुरु साहिबान दियां वडियाईयां अपने ग्रैंड पेरेंट्स तो सुनियां सी उह अज भी साडे चेतियां विच उवें मतलब वसियां होईयां ने जदों की इन्हां दे मुकाबले जिन्ना ज्ञान असी हर रोज गूगल तो या फिर फेसबुक तो यूट्यूब तो प्राप्त करदे आ वह बहुत ही देर साडा साडे नॉलेज का हिस्सा नहीं रहिंदा। सो मैं यह कहांगी कि पूरी तरह असी इंटरनेट ते भी डिपेंड नहीं हो सकते और पूरी तरह अज दे टेक्नोलॉजी दे युग विच बुक्स ते भी डिपेंड नहीं कर सकते। सो एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एंड बुक्स should go hand in hand. Dhanwad ji.